हे गाइस, दिस फैट बाइक वैभव। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ओरिजिनल एम फैट में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आई थी, बट देन मैंने उसको अपग्रेड करके हाइड्रोलिक लगा ली। आप लोगों के में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी कि हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक एंड मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में कौन सी ज़्यादा बेटर है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी कंपेयरिंग हाइड्रोलिक डिस्क विद मैकेनिकल डिस्क एंड ऑल्सो द रिम ब्रेक्स। इन द लास्ट आई विल बी डूइंग द ब्रेकिंग टेस्ट, जिसमें मैं स्टॉपिंग टेस्ट करूँगा कि कौन सी ब्रेक ज़्यादा जल्दी रुक जाती है। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक फर्स्ट। आप देख सकते हैं कितना स्लिम डिज़ाइन है इसका। आप यहाँ इस एंड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेक होज निकल रहा होता है, देन इस पे काफ़ी अच्छे स्क्रूज लगे होते हैं, तो ये काफ़ी गुड लुकिंग होती है, बिल्कुल स्लिम भी होती है एंड जो आपकी बाइक है उसको अच्छी लुक्स भी देती है। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपकी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स होती है, आप उसमें देखेंगे थोड़ी सी बल्की फीलिंग देती है, थोड़ी बेसिक देती है। जो अपनी लीवर प्रेस करते हैं तो अंदर से आपको वायर दिखती है। ऑल्सो जो गियर शिफ्टर होता है वो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में इनबिल्ट बना होता है एंड जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है उसमें अलग से गियर शिफ्टर लगता है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में एक वायर एक्सपोज होती है, पूरा सिस्टम एक्सपोज होता है, बदन जो आप हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक देखेंगे वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी नीट लुकिंग होता है, उस पर डायरेक्ट एक हाइड्रोलिक की पाइप लगी होती है। अगर आप रिम ब्रेक्स देखेंगे तो उसमें डिस्क नहीं लगी होती है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है व्हील से वो डायरेक्ट रिम के ऊपर होता है एंड उसी से आपकी बाइसाइकिल स्टॉप होती है। जनरली सब यही मानते हैं कि डिस्क ब्रेक्स थोड़ी बेटर होती है लुकिंग में एंड रिम ब्रेक्स थोड़ी सी बेसिक फीलिंग देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दे वर्क। अगर आप हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक देखेंगे तो इसके अंदर एक पिस्टन होता है जो कि हैंडल बार के पास होता है, वहाँ से आपका जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो पंप होके नीचे पिस्टन में जाता है एंड वो पिस्टन कंप्रेस होके वर्क करता है। आपके मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में एक वायर होती है जो आप लीवर से प्रेस करते हैं तो आगे पीछे जाती है एंड वही वायर आपके फोर्स को नीचे डिस्क तक लेके जाती है। सो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में आपकी वायर डलती है एंड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में आपकी ऑयल डलता है। इसमें कोई भी नॉर्मल ऑयल यूज़ नहीं होता, इसका स्पेसिफिक ब्रेक ऑयल यूज़ होता है, कार का भी ब्रेक ऑयल यूज़ नहीं हो सकता। इन दोनों ब्रेक्स को लगाने की जो फीलिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। जब मैकेनिकल डिस्क ब्रेक लगाएंगे तो आप देखेंगे पूरा लीवर आपका अंदर चला जाता है, जितना आप प्रेस करते हैं उतनी ही ब्रेकिंग होती है, बट देन हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको जो फर्स्ट स्टेप होता है वो थोड़ा सा फ्री होता है एंड जैसे डिस्क टच करती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आप और प्रेस करने की कोशिश करेंगे वो अंदर कंप्रेस नहीं होता है, जितना ही फोर्स अपने लीवर पर लगा रहे हैं उतना ही डिस्क ब्रेक पर जाता है एंड दैट्स एन एफिशिएंट सिस्टम। अगर आप सोचेंगे ये बेकार बात है तो लेट मी टेल यू, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपको फील चाहिए ब्रेक्स की, प्रॉपर ब्रेकिंग चाहिए, तो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स आर लिटिल बेटर। अगर आप नीचे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का कैलिपर देखेंगे तो वो सिंगल साइडेड ब्रेकिंग करता है, जो ब्रेक पैड होता है वो सिंगल साइड का जाता है अंदर एंड जो सेकेंडरी साइड होती है वो डिस्क ब्रेक से ड्रॉप करती है। इससे क्या होता है, डिस्क पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, बट ऑन दी अदर साइड जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक होती है उसका पिस्टन दोनों तरफ से प्रेस करता है एंड दैट गिव्स यू एन इवन ब्रेकिंग। जो आपका ब्रेक पैड होता है वो इवनली भी घिसता है। लेट्स टॉक अबाउट द वेदर परफॉर्मेंस। मेरे पास एक सोपी सॉल्यूशन है जो एक स्प्रे बॉटल के अंदर है। अगर मैं इसको यहाँ पर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के ऊपर ऐसे प्रेस कर देता हूँ, देन मैं इस पर ब्रेकिंग करता हूँ, तो ये ब्रेक वीक नहीं होंगी, ये और ज़्यादा अच्छी बन जाएंगी, बिकॉज ये सोपी सॉल्यूशन है वो सारा क्लीन कर देता है आपके ब्रेक पैड को। अगर आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में ट्राई करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बट देन अगर आप रिम ब्रेक पर ट्राई करेंगे तो आपको कुछ और ही रिजल्ट मिलेगा। उससे जो आपकी रिम ब्रेक्स होंगी वो वीक हो जाएंगी। अगर आप बारिश में साइकिलिंग करते हैं, रिम ब्रेक्स दबाते हैं, आप देखेंगे वो ब्रेकिंग करती ही नहीं है। बट देन ऑन द अदर साइड जो डिस्क ब्रेक होती है वो ऑलवेज ब्रेक होती है, इवन दो हाइड्रोलिक हो या मैकेनिकल हो, दोनों आराम से रुक जाती है। सो अगर बारिश का टाइम है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रुक सकते हैं। जो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक होती है वो एक ओपन सिस्टम होता है, इसका मतलब अगर कोई डर्ट आती है या कोई भी वाटर आता है वो आपके वायर्स के अंदर चला जा सकता है एंड देन ओवर द टाइम वो ब्रेक्स थोड़ी सी हार्ड हो जाती है एंड वर्क करना थोड़ा कम कर देती है। इन दी हाइड्रोलिक ब्रेक वो कम्प्लीट सील सिस्टम होता है, इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल आपकी ब्रेक के अंदर नहीं जाता एंड वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ देता है आपकी ब्रेक्स को। सो एक 6 मंथ तक या 1 ईयर तक अपनी ब्रेक को आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है वो वैसे की वैसी रहती है। ऑन दी अदर हैंड जो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स होती है वो आपको हर मंथ या कभी वीकली भी आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। एडजस्ट करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे आपको उसको टाइट करना पड़ता है, बैरल एडजस्टर को टाइट कर लीजिए या फिर इसकी वायर खोल दीजिए
एंड उसको स्ट्रेच करके वापस बंद कर दीजिए। ऐसे आपका मैकेनिकल डिस्क ब्रेक टाइट हो सकता है। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी कि अब मैकेनिकल डिस्क ब्रेक कैसे टाइट करनी है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है वो सारे सर्विस नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर ब्लीडिंग का प्रोसेस लगता है, कई बार ब्लीड किट भी खरीदनी पड़ती है, उसका ब्रेक फ्लूइड भी अलग आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन है उसमें। अगर आपको ब्रेक हो उसकी लेंथ ट्रिम करनी है, छोटा या बड़ा करना है, तो भी हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में बहुत ज़्यादा टेंशन आती है, उसके लिए आपको अलग से पार्ट्स भी लेने पड़ते हैं। बट मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको जस्ट कट करना है प्लास से, सब सिस्टम बहुत ईजी है। जो आप लोकल मैकेनिक के पास लेके जाएंगे तो वो भी आराम से इसको रिपेयर कर देगा। रिम ब्रेक ऑन द अदर हैंड वो तो और भी ज़्यादा ईजी होती है सर्विस करना, उसके कोई लोकल रिक्शा मैकेनिक है वो भी आपको रिपेयर करके दे देगा। डिस्क ब्रेक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कई बार वो कर पाते हैं कई बार नहीं कर पाते हैं, लेकिन आजकल सब कुछ मॉडर्न हो चुका है। हाइड्रोलिक ब्रेक ऑन द अदर हैंड उसके लिए स्पेशलाइज्ड शॉप आपको लगती है, लाइक जो भी हाई एंड बाईसाइकिल शॉप्स हैं सिर्फ वही उसको सर्विस कर सकती है। जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के एंड मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के सिमिलर होते हैं। अगर मैं चीप पार्ट की बात करूँ तो ऑनलाइन ये अराउंड 70 रुपीज़ के मिलते हैं, मैकेनिकल के एंड हाइड्रोलिक के। अगर आप हाई एंड शॉप पे जाएंगे तो वही ब्रेक पैड आपको 450 रुपीज़ का या 400 रुपीज़ का मिलता है। अब इसमें भी एक चीज़ है, ओरिजिनल वाले शिमानो के ब्रेक पैड्स आते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो भी 450 के आते हैं, कई बार लोकल वाले भी आपको 450 में दे देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप ओरिजिनल पार्ट्स ही लें। अगर आपको लोकल लेना है तो उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। रिम ब्रेक्स की बात करें तो उनके ब्रेक पैड सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं, लाइक 10 to 20 रुपीज़ में वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो 150 रुपीज़ के होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है रिम ब्रेक्स मेंटेन करने में। अगर रिलायबिलिटी की बात करी जाए तो हाइड्रोलिक ब्रेक सबसे ज़्यादा रिलायबल होती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि मेरे पास होज है ये कट हो सकता है, इससे ऑयल लीक हो सकता है तो आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क नहीं करेगी, बट देन ऐसे कोई भी केसेस मैंने नहीं देखे हैं जो इंडिया में हुए हों या बहुत ही नॉर्मल राइडिंग में हुए हों, ऐसे कुछ भी नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड जो डिस्क ब्रेक्स होती हैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, वो कई बार लूज़ हो जाती हैं, कई बार उनकी ब्रेक वायर ढीली हो जाती है, तो रिलायबिलिटी उनमें थोड़ी कम होती है। वन मोर थिंग इज दैट डिस्क ब्रेक्स की एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है कि अगर आपकी रिम टेढ़ी हो जाती है तो डिस्क ब्रेक आराम से वर्क करती है। अगर आपकी रिम टेढ़ी हो जाती है रिम ब्रेक्स में तो आपकी रिम ब्रेक आराम से वर्क नहीं करती है, तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट टू डिस्क ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आप अपना फ्रंट व्हील बाहर निकालते हैं एंड गलती से भी अपना लीवर प्रेस कर देते हैं तो कंप्रेस हो जाता है आपका पिस्टन, एंड ये आपके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट है। इवन तो आप स्पेशलाइज्ड टूल से या स्क्रू ड्राइवर से उसको वापस बाहर निकाल सकते हैं, बट देन अगर एक बिगिनर हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इशू है। तो गाइज अब मैं करूँगा ब्रेक का डिस्टेंस चेक। मैंने क्या किया, मेरे पास दो डिस्क है सामने, एज यू कैन सी मैंने राइट वाली में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक लगाई है एंड लेफ्ट वाली में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक लगाई है। पहले मैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक को टेस्ट करूँगा, उसका देखूँगा डिस्टेंस एंड इससे मेजर करूँगा, देन मैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का डिस्टेंस देखूंगा एंड फिर उसको मेजर करूंगा, देखते हैं कौन जीता है इसमें। अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, अब हम डिस्टेंस टेस्ट करेंगे। फर्स्ट इज द मैकेनिकल ब्रेक एंड स्टॉप, काफ़ी दूर लगा है, अब इसको मार्क कर लेते हैं। नाउ हाइड्रोलिक ब्रेक एंड स्टॉप, काफ़ी जल्दी रुक गई है ये बाइक, अब इसको भी मार्क कर लेते हैं। मेजरिंग करने के बाद पता लगा है कि हाइड्रोलिक की आई है 5 फीट एंड जो मैकेनिकल है उसकी 10 फीट। फ्रॉम दिस डिस्टेंस आई कंक्लूड दैट जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाय द वे मैंने अज्यूम किया था कि अप्रॉक्स सिमिलर डिस्टेंस आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फर्क आया। सो इन द डिस्टेंस टेस्ट द हाइड्रोलिक ब्रेक विंस। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। अगर आप हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक की प्राइस देखेंगे तो वो राइट अबाउट 3000 से लेकर 4000 रुपीज़ में आती है। इसकी ये दिक्कत है कि आपको एक सेट में लेनी पड़ती है, लाइक आपका ब्रेक लीवर है एंड जो कैलिपर है वो दोनों साथ मिलते हैं। बट देन अगर आप एमफैट की प्राइस से कंपेयर करें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक को, वो कुछ भी नहीं है। इवन दो आई डिड स्पेंड 15,000 ऑन द कन्वर्जन ऑफ द डिस्क, बट देन उसमें थोड़े एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे थे, इससे थोड़ा सा महंगा पड़ा था। लेकिन अगर आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा चीप पड़ती है। जो लोएस्ट प्राइस होता है वो 150 रुपीज़ से कैलिपर का स्टार्ट होता है, अगर दोनों का कैलकुलेट करें तो वो 300 रुपीज़ का बनेगा। अगर आप 3000 को 300 से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रखता है। तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक बहुत ज़्यादा चीप होती है। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जो कि 400 रुपीज़ में आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक कन्वर्जन करना सिखाएगी। अगर आपको वो लिंक चाहिए तो यू कैन क्लिक द लिंक हियर एंड आप ये वीडियो देख सकते हैं कि आप अपनी नॉर्मल बाईसाइकिल में कैसे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं सिर्फ 400 रुपीज़ में। अगर रिम ब्रेक की बात करी जाए तो वो और भी सस्ती मिलती है, बट देन ट्रेंड हैज़ चेंज। रिम ब्रेक से पार्ट्स मिलने थोड़े से मुश्किल हो गए हैं, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक फ्यूचर की डिस्क ब्रेकिंग है, अभी इसके पार्ट्स थोड़े डिफिकल्ट मिलते हैं। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। अगर आप बिगिनर राइडर हैं, रिम ब्रेक्स हो, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक हो या हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक हो, आपको ब्रेकिंग में बिल्कुल भी फ़र्क पता नहीं लगेगा।
थोड़ा सा फीलिंग का फ़र्क लगेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल ब्रेकिंग करते हैं, लाइक थोड़ी सी लाइट ब्रेकिंग करते हैं, तो तीनों बिल्कुल सेम है। अगर आप रेन राइडिंग कर रहे हैं तो आप रिम ब्रेक्स बिल्कुल भी मत लें, सिर्फ मैकेनिकल डिस्क ब्रेक या हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक लें। अगर आप नॉर्मल ब्रेकिंग की बात करें तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक एंड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक सिमिलर होती हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम ब्रेकिंग की बात करें तो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक थोड़ी सी बेटर होती हैं। दैट्स वाई प्रो राइडर्स हमेशा हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबिलिटी, इट्स परफॉर्मेंस एंड जो आपको फील मिलती है राइडिंग के टाइम। बिकॉज सी, अगर आपके ब्रेक्स बेटर हैं तो आप राइड फास्ट कर सकते हैं, कॉर्नर पर भी फास्ट जा सकते हैं, एंड रेसिंग के टाइम पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो विच ब्रेक इज़ बेटर, हाइड्रोलिक या मैकेनिकल? हाइड्रोलिक हमेशा बेटर होती है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी होती है, बट देन द विनर इज़ मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। ऐसा क्यों है? द रीज़न इज, सबसे पहले इसकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ रनिंग भी कम है, जो आपके सारे मैकेनिक्स हैं वो आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक को रिपेयर करना थोड़ी सी उनकी डिफ़िकल्ट बात है, इवन दो हाइड्रोलिक ब्रेक इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है, बट देन अगर हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। अगर मैं रिम ब्रेक की बात करूँ, अगर आपकी ओरिजिनल बाइक में ऑलरेडी रिम ब्रेक प्रेजेंट है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, लेकिन अगर आप नई साइकिल खरीदे हैं तो ऑलवेज डिस्क प्रेफर कीजिए, बिकॉज रिम ब्रेक के पार्ट्स हैं वो मिलने बहुत मुश्किल हो चुके हैं, ट्रेंड थोड़ा पास हो चुका है। ऑल्सो वन ईयर के बाद जो ये जो विनर का रिजल्ट है वो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक नहीं रहेगा, वो हाइड्रोलिक हो जाएगा। द रीज़न इज, सबके पास हाइड्रोलिक सर्विस करने की पावर आ जाएगी, सारे पार्ट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, तो इन दी एंड फ्यूचर में हाइड्रोलिक ब्रेक ही जीतेगी, बट देन करंटली मैकेनिकल डिस्क ब्रेक इज द किंग, क्योंकि सबकी बाइक में भी वही आती है। If you think this video was good, do like it. अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी पता लगे हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फैट ब्रेक अवे होप, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मेरी सारी वीडियोज़ की, तो आप नीचे बेल आइकन भी दबा सकते हैं। अगर मैं लाइव आता हूँ या कुछ भी मैं एक्टिविटी करता हूँ, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाती है। दिस फैट ब्रेक अवे होप साइनिंग ऑफ।